नमस्कार दोस्तों, द वेल्थ इन्वेस्टर को आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ न्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात है, हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत मिल रहे हैं। एसीआरई बाजार 1% से ज़्यादा फिसल है। गिफ्ट निफ्टी भी 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है। बॉन्ड यील्ड में उछाल के चलते कल अमेरिका बाजार 1.5% तक गिरकर बंद हुए थे। हालांकि आज यूएस फ्यूचर्स में हल्की रिकवरी देखने को मिल रहा है। बता दें कि अमेरिकी बाजार कल गिरावट के साथ बंद हुए। बॉन्ड यील्ड में तेजी ने बाजार पर दबाव बनाया। 10 सालों की बॉन्ड यील्ड 16 साल की ऊंचाई पर पहुंची है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने भी बाजार पर दबाव बनाया। इधर नेटफ्लिक्स ने अनुमान से अधिक नतीजे पेश किए। चलिए हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में 577.3 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल के सितंबर तिमाही के मुकाबले ICICI लोम्बार्ड का मुनाफा 2.2% घटा है। पिछले साल की जुलाई सितंबर तिमाही में ICICI लोम्बार्ड को 590.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ICICI लोम्बार्ड के शेयर बुधवार को 1.55% की गिरावट के साथ 1358.25 रुपए पर बंद हुए हैं। हमारा अगला जो न्यूज़ है वो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है। तो म्यूचुअल फंड्स को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक डेटा से पता चला है कि शेयर बाजार की करीब 90% कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स पैसा ही नहीं लगाते हैं। आपने SIP के जरिए कोई म्यूचुअल फंड्स स्कीम जरूर खरीदा होगा। देश में इस कुल 427 एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें से 95% स्कीमों में सिर्फ 382 शेयर में पैसा लगाया हुआ है। इसे ऐसे समझिए कि शेयर बाजार में कुल 4000 से अधिक कंपनियां के शेयर सूचीबद्ध है, लेकिन फंड मैनेजर इसमें सिर्फ 400 यानी 10% शेयर को ही निवेश के लिए बार बार चुन रहे हैं। हमारा अगला जो न्यूज़ है वो IRM एनर्जी के IPO के ऊपर है। शहरी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी IRM एनर्जी IPO को पहले दिन बुधवार को 1.71 गुना सब्सक्रिप्शन किया गया। NSE के आंकड़ों के अनुसार 545.40 करोड़ रुपए के इशू में की गई 76,24,800 शेयर की बिक्री पेशकश के मुताबिक 1,30,38,661 शेयर के लिए बोलियां प्राप्त हुई। हमारा अगला जो न्यूज़ है वो टीटागढ़ रेल सिस्टम Q2 रिजल्ट के ऊपर है। टीटागढ़ रेल सिस्टम का शुद्ध मुनाफा सितंबर तिमाही में करीब 46.5% बढ़ गया है। कंपनी ने बुधवार 18 अक्टूबर को मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध बढ़कर 70.6 करोड़ रुपये रहा, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 48.2 करोड़ रुपये रहा था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू दूसरी तिमाही में करीब 54.1% बढ़कर 935.5 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 607.1 करोड़ रुपये था। हमारा अगला जो न्यूज़ है वो ओमान कैट के ऊपर है। ओमान कैट के IPO को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और ये अंतिम दिन अब तक 67.48 गुना सब्सक्राइब हो गया है। इसे कुल 7.12 करोड़ इक्विटी शेयर के लिए बोलियां मिल गई है, जबकि ऑफर फॉर 11.12 लाख इक्विटी शेयर है। कंपनी का इरादा IPO के जरिए 9.56 करोड़ रुपए जुटाने का है। इसका ऑफर प्राइस 86 रुपए प्रति शेयर तक किया गया था। SME सेगमेंट के इस पब्लिक इश्यू में आज निवेश का अंतिम मौका है। हमारा अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज संपन्न हुई कैबिनेट के बैठक में 6 रबी फसलों की MSP बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। गेहूं की MSP 150 रुपये पर क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी मिली। मसूर की MSP 425 रुपये पर क्विंटल बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। वहीं सरसों की MSP 200 रुपये पर क्विंटल बढ़ा। चना की MSP 105 रुपये पर क्विंटल बढ़ने को मंजूरी मिली। सनफ्लावर को MSP 150 रुपये पर क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो कि MSP 115 रुपये पर क्विंटल बढ़ाने को भी मंजूरी मिला। तो दोस्तों, हमारा जो अगला न्यूज है वो FD के ऊपर है। तो देश के प्राइवेट सेक्टर बैंक RBL ने 2 करोड़ रुपए अधिक की FD पर ब्याज बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक के अक्टूबर में रेपो रेट की कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि इसके बाद कई बैंकों ने ब्याज दरों को रिवाइज किया है। RBL बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल की FD दे रही है। RBL बैंक अब आम लोगों को अधिकतम 7.10% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.65% का अधिकतम ब्याज ऑफर कर रहा है। ये नई दरें 16 अक्टूबर से लागू हो गई है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ वो नेस्ले Q2 के रिजल्ट के ऊपर है। तो शेयर बाजार में नतीजों का सीजन चल रहा है। लिस्टिंग कंपनी सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर रही हैं। इस कड़ी में FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी नेस्ले ने भी नतीजे जारी कर दिए हैं। तो शेयर बाजार में नतीजों का सीजन चल रहा है। लिस्टिंग कंपनियां सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर रहे हैं। इस कड़ी में FMCG सेक्टर के दिग्गज कंपनी नेस्ले ने भी नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी को सितंबर तिमाही में 108 करोड़ रुपये का तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। कुल आय पहली बार 5000 करोड़ रुपये के पार पहुंची। दमदार नतीजों के साथ कंपनी ने 1900% के बंपर डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो MMTC के ऊपर है। सरकारी की लगभग 90% हिस्सेदारी वाली कंपनी MMTC के शेयर को बेचने की होड़ लगी है। दो दिन में ये स्टॉक 10-10% से लोअर सर्किट के साथ 87 से ₹70.60 पर आ गया है। निवेशकों में मची भगदड़ के पीछे वह खबर है जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार MMTC को बंद करने जा रहा है। तो CNBC TV18 के एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तीन सरकारी कंपनी MMTC, STC और PEC को बंद करने के लिए 23 अक्टूबर को एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। MMTC और STC में सरकार की लगभग 90% हिस्सेदारी है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो टाटा ग्रुप के ऊपर है। तो टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी अपने योग्य निवेशकों को एक शेयर पर ₹9 का डिविडेंड दे रही है, जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट आज यानी 19 अक्टूबर 2023 को है। बता दें कि टाटा ग्रुप की ये कंपनी 2007 से अब तक लगभग डिविडेंड दे रही है। आई डिटेल्स में जान लेते हैं। तो रिकॉर्ड डेट आज है। TCS की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक ₹1 के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर ₹9 का डिविडेंड दे रही है। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 7 नवंबर 2023 को योग्य निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। बता दें कि इस वित्त वर्ष में ये दूसरा अंतरिम डिविडेंड दे रही है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ न्यूज़ था। हमारा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं मेरा जो टाटा ग्रुप का सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। आप चाहें तो वहाँ से विजिट करके टाटा ग्रुप के बाकी बहुत सारे हम लोग केस स्टडी किए उस कंपनी के बारे में, उनका डिफरेंट स्टॉक के बारे में, वहाँ से जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अगले वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।